दोस्तों, गाय और बैल दुनिया के सबसे कॉमन जानवरों में से एक है। जब ईद नज़दीक आती है तो आपको बकरा मंडी में मुख्तलिफ किस्म की गाय और बैल देखने को मिलते हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको दुनिया के सबसे बड़े कुर्बानी के जानवर बताने जा रहा हूँ। नंबर एक, ब्राह्मण बुल। दोस्तों, ईद उल अज़हा नज़दीक आने की वजह से आपको मुख्तलिफ किस्म के बुल देखने को मिलते हैं, लेकिन ये जो बुल आप देख रहे हैं ये अपनी हैवी वेट की वजह से बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है। इस नस्ल के बुल की स्किन बहुत ही ढीली होती है, इसी वजह से ये बुल देखने में बहुत ही अलग नज़र आती है। इस नस्ल के बुल की खास बात यह है कि ये ऊँट की तरह बहुत ज़्यादा गर्म इलाकों में भी सर्वाइव कर सकती हैं, और यही वजह है कि इन्हें कैमल बुल के नाम से भी जाना जाता है। इस नस्ल का सबसे हैवी बुल भारत में मौजूद है, जिसे टर्मिनेटर कहा जाता है। इस बुल का वज़न 38 मन है। ये बुल 6 फीट ऊंचा और 9 फीट लंबा है। ये बुल रोज़ाना 20,000 की खुराक खा जाता है। इस बुल की सबसे ज़्यादा कीमत अब तक 5 करोड़ रुपये लग चुकी है। नंबर दो, सिब्बी बगनारी। दोस्तों, ये बुल सिब्बी का सबसे खूबसूरत और पाकिस्तान का मशहूर तरीन जानवर है। सिब्बी में मुनक्किद किए गए मेले में ये बुल सामने आया था, जो तकरीबन 8 फीट लंबा था और 25 मन वजनी था। इस बुल के मालिक का कहना था कि वो इसे रोज़ाना 20 किलो दूध और देसी घी की खुराक देता है, और यही वजह है कि ये बुल इस कदर हैवी है। इस बुल को पाकिस्तानी 60 लाख रुपए में फरोख्त किया गया था। ये बुल हाइट और वेट के अतबार से भी ब्राह्मण बुल से काफी दर्जे बेहतर है। नंबर तीन, साउथ डिवॉन बुल। दोस्तों, नॉर्थ अमेरिका में पाया जाने वाला ये बुल बहुत सी खसूसियात का मालिक है। इस बुल में ऐसी खसूसियात पाई जाती हैं जो इस बुल को तमाम बुल से अलग करती हैं। ये खसूसियात ही इन बुल्स की पहचान होती हैं। ये बुल तकरीबन हर किस्म के बुल की खसूसियात रखता है। इस बुल के जिस्म पर मौजूद ब्राउन बाल बाकी बैलों की निस्बत लंबे और करली होते हैं, जो कि इनकी खूबसूरती में इजाफा करते हैं। ख़ास बात यह है कि इनके लंबे बाल होने की वजह से ये बुल ठंडे इलाके में भी सरवाइव कर सकते हैं। बुल की इस नस्ल को ज़्यादातर गोश्त के लिए रखा जाता है, और इस नस्ल की काउज को ज़्यादातर दूध देने के लिए दुनिया भर में पाला जाता है। इन बुल्स की एक और ख़ास बात यह है कि इनको सिर्फ 15 मंथ की एज में ही खेतों में काम करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। नंबर चार, एंगस बुल। दोस्तों, ये जो बुल आप देख रहे हैं, इस बुल का गोश्त दुनिया का सबसे लजीज गोश्त माना जाता है। ये गोश्त अपने इस लजीज टेस्ट की वजह से बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी होता है। इस गोश्त की खास बात यह है कि इसमें रेड और वाइट डिज़ाइन पाया जाता है, जो इसे बाकी गोश्त से यूनिक बनाता है। बुल्स की ये ब्रीड साइज में इतनी बड़ी नहीं होती, लेकिन देखने में ये बहुत ही मैसिव नज़र आती है। कुर्बानी के मौका पर अगर इस बैल को ज़िबा किया जाए तो इससे ज़्यादा लजीज गोश्त आपको और कहीं भी नहीं मिलेगा। नंबर पाँच, गौर बुल। दोस्तों, ये जो बुल आप देख रहे हैं, ये बुल ज़्यादातर इंडिया, श्रीलंका और बांग्लादेश में पाया जाता है। ये बुल इतना ताकतवर है कि इसे देखकर कोई भी हैरान हो जाएगा। दुनिया में इस तरह के सिर्फ 21,000 बुल ही मौजूद हैं। हैरानगी की बात यह है कि इस तरह के अडल्ट बुल का वज़न 1500 किलोग्राम तक होता है। इस बुल के बड़े बड़े सींग और मस्कुलर बॉडी देखकर कोई भी इंसान इसके पास जाने की हिम्मत नहीं करेगा। जो भी हो, इस बुल की ये मस्कुलर बॉडी इसे खूबसूरत और बाकी तमाम बुल से अलग करती है। नंबर छः, बेल्जियन ब्लू। दोस्तों, आपने अपने इर्द गिर्द देहाती इलाकों में बहुत से बैल देखे होंगे जिनका नॉर्मल साइज और वेट होता है, लेकिन ये जो बुल आप देख रहे हैं, ये गौर बुल से कई दर्जे ज़्यादा मस्कुलर बॉडी का मालिक है। ये बुल देखने में एक बॉडी बिल्डर की तरह लगता है, और इसकी ये मस्कुलर बॉडी को देखकर कोई भी इंसान इसकी ताकत का अंदाज़ा लगा सकता है।
हैरानगी की बात यह है कि इस बुल की ये मस्कुलर बॉडी किसी प्रोटीन या सप्लीमेंट की वजह से नहीं बल्कि नेचुरल होती है। ऐसी बॉडी बुल की इस नस्ल में जेनेटिकली शामिल होती है। इस बुल में इतने ज़्यादा मसल्स होते हैं कि हर कट वाजिया नज़र आता है, और अगर इस बुल को कुर्बानी के लिए ज़िबा किया जाए तो आपको सिर्फ गोश्त ही गोश्त नज़र आएगा, क्योंकि इस बुल में चर्बी बिल्कुल भी नहीं होती।